को रोटेट आउट करते हुए यहाँ पे फाइट होता हुआ एश शॉट्स लेके डार्ली की तरफ, शायद थोड़े से जल्दी शॉट ले लिए बट स्काउट ने बहुत ही बेहतरीन नॉक कर लिया है डार्ली को विद दैट उजी एंड इंस्टेंटली उनको फिनिश ऑफ करना चाहेंगे बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे आई थिंक लेवल वन का हेलमेट एंड स्काउट कमिंग विद दैट सेकंड नॉक नॉकिंग डाउन हेडिस एंड यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन खेल रहे स्काउट नेड फेंकते हुए बट वो नेड कनेक्ट नहीं कर पाएगा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा बट यहाँ से फॉलो अप कैसे करेगी टीम फ्नैटिक, क्या यहाँ पे टीम फ्नैटिक पुश करने वाली है? यस टीम फ्नैटिक स्काउट यहाँ पे पुश कर चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे उजी है क्लोज रेंज फाइट लेने के लिए तैयार है स्काउट एंड देखते हैं यहाँ पे चॉपर की तरफ स्प्रे डाउन करते हुए बट स्प्रे नहीं कनेक्ट कर पाए एंड यहाँ पे रोटेट आउट करते हुए देखते हैं यहाँ पे चॉपर पे स्प्रे डाउन करते हुए एश का और रौनक का बहुत ही बेहतरीन बैकअप एंड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है अभी टीम फ्नैटिक एंड लास्ट जो बचे टीम एफएफक्यू के टाका काफी दूर हो चुके हैं अपने स्क्वाड से बट आई थिंक यस ऑल द थ्री किल्स वेंट टू स्काउट, स्काउट टेकिंग थ्री किल्स फॉर हिज टीम एंड एक्सीलेंट स्ट्रेटजी, आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो व्हेन इट कम्स टू डीएमआर कोई चला। मीनवाइल आपने जैसा ही कहा था टाका ने वहां पे रौनक को पिक ऑफ किया है एंड आई जस्ट होप कि रौनक का फिनिश ऑफ नहीं हो जाए। रौनक के टूर्नामेंट में रन थोड़ा सा ऊपर नीचे गया बट आई थिंक यू नो आफ्टर एन एक्सीलेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इट डज नॉट मैटर बिकॉज इट हैपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। यू नो आप हर टूर्नामेंट में एक्स का नेड आता हुआ अनइवन को कर दिया है नॉक, तो स्टिल नेड्स बीइंग द मोस्ट यूज्ड वेपन और यूटिलिटी जिसको आप बोल सकते हो एंड यहां पे टीम यूडू ने आई थिंक टीम सी नाइन की पूरी स्क्वाड को फिनिश ऑफ कर दिया। ड्रैक्स कमिंग विद दोस ब्यूटीफुल किल्स एंड बहुत ही बेहतरीन मैन प्रैग ने बहुत ही प्यारे तरीके से टैप स्प्रे से पिक ऑफ किया एंड आई थिंक मॉर्टल वहां पे ओपन ऑफ गार्ड पे पकड़े गए थे, आई डोंट नो हाउ मे बी गाड़ी में बैठने जा रहे थे या व्हाटएवर एंड यहां पे सोल वापस दिक्कत में दिखते हुए देखते हैं यहां पे क्या पैरो बॉय कुछ कमाल दिखा पाएंगे M16 के द्वारा बट यहां पे 4M के सुख स्प्रे डाउन करते हुए टीम सोल के ऊपर एंड देखते हैं यहां पे अमन और वाइपर उतर चुके हैं बट यहां पे फिनिश ऑफ कर दिया पूरी की पूरी टीम सोल को यहां पे 4M के सुख ने प्रेडो को, तो देखते हैं यहां पे टीम यूडू वर्सेस टीम एक्सक्यूएफ क्या होता है। थक भाई जब टीम यूडो के एक ही प्लेयर बचे हैं एनएक्सक्यूएफ के चारों तो आई थिंक 4v1 सिचुएशन में एंड वहां पे स्काउट ओपी ने ड्रैक्स को कंफर्म किया एंड यूडो को यहां पे एलिमिनेट करते हुए एंड यहां पे स्काउट ने ऑरेंज के पीओवी को नॉक किया। स्काउट एक रन में ऑलरेडी अपने टीम के लिए 5 किल निकाल चुका है एंड 6 किल की ओर बढ़ रहा है एंड यहां पे स्काउट जिस तरह से अपने टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है यस पीओवी को भी कंफर्म करते हुए 6 किल पॉइंट स्काउट ऑलरेडी अपने टीम के ले चुका है एंड क्या बेहतरीन तरीके से अपने टीम के पूरे यू नो खराब सिचुएशन में उनको कैरी कर रहे हैं। ऑरेंज के लियोन के तरफ स्प्रे डाउन करते हुए यहां पे ऑलमोस्ट उनको फिनिश ऑफ करने की कगार पे एंड यहां पे देखते हैं बहुत ही बेहतरीन नॉक कर दिया एंड 4AM के लिए तकलीफ क्योंकि टेम्पो और एक्सक्यूएफ ने मिलकर उनको थर्ड पार्ट यू नो सैंडविच किया। स्काउट ने टीम कह सके आयला को फिर से नॉक किया, स्काउट अलग ही फॉर्म में खेल रहा, ऑलरेडी 6 किल्स हो चुके थे 7वें किल की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे वुमेन एलीट के लिए एक्सक्यूएफ पे पैरा बॉय ट्रबल्स क्रिएट करते हुए एंड फनेटिक करेंटली विद 7 किल पॉइंट्स एंड बेहतरीन गेम प्ले हमें उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है एंड वहाँ पे आप देख सकते हो जोन से फिनिश ऑफ होते हुए टीम कह सके आयला एंड आई थिंक ये किल पॉइंट भी स्काउट को मिलेगा मेकिंग ऑन फेस कनेक्ट करेगा। इनको आपने नेट देखा एंड वहाँ पे डीकेजी के क्रेजी ने ओमन एलिट के कार्नेज को नॉक किया। यहाँ पे टेम्पो शायद थर्ड पार्टी हो रही है बिटवीन 4AM एंड XQF इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बंच आ चुका है, टीम 4AM आ चुकी है, टीम टेम्पो आ चुके हैं, XQF आ चुके हैं एंड पैराबॉय का नेड वहां पे जाते हुए कार्नेज को फिनिश ऑफ करते हुए देखते हैं। यहाँ पे XQF के ऑर्डर अपने आप को हील अप कर रहे हैं, टीम 4AM के जीनिए थोड़े से दिक्कत में लग सकते हैं अगर यहाँ पे टीम टेम्पो के प्लेयर्स स्मोक के बाहर आके इनको इजिली स्पॉट कर सकते हैं तो वो हाई ग्राउंड एडवांटेज रहेगा जिसके कारण फिनिश कर सकते हैं। बट स्काउट का यहाँ पे नेड जाता हुआ टीम क्वेस्ट ओके डेक्सी को नॉक करते हुए मार्को को भी फिनिश कर दिया। स्काउट इज ऑन एब्सोल्यूट फायर थक भाई। Yep, with 9 kills in this particular game, and finally DKG ke Moxie picks off Scout OP, but and Scout yahan pe knock ho chuka hai with 9 kills in this game and Scout ko yahan pe revival mil jaye, just pray for that because jis tarah se wo is game mein khela hai, jis tarah se apne team ke liye kills nikala hai Scout ne, I think you know ye jana fantastic job par wahan pe it's 4AM ne tempo pe push karke tempo ko eliminate kar diya, they're taking Fnatic into top 6 and Fnatic till now leading the kill department, 10 kill hai unke paas, Scout knocked out but that's not a big deal, abhi tak finish nahi hua hai so definitely he can be revived and wahan pe Scout he revive bhi ho chuka hai, charo ke charo players zone ke andar aa chuke hai and 10 ka किल पॉइंट है, इनमें से 9 किल पॉइंट स्काउट ने लिया एंड यहाँ पे 4AM के जीने का नेड आते हुए एंड यहाँ पे एश नॉक होते हुए यू नो ये चीज थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि टीम एज अ टुगेदर नहीं आ पा रही बिकॉज द वे स्काउट इस गेम में 9 किल पॉइंट लिया, अगर बाकी की टीम उनको उसको सपोर्ट करते थे दे कैन डेफिनेटली गो फॉर अ फैंटास्टिक चिकन डिनर। वहां पे एश नॉक होते हुए रौनक ने वहां पे कोशिश की बॉक्सिंग को पिकअप करने का पर यहाँ पे जिन्हे का शॉट आते हुए एंड वहां पे एश फिनिश ऑफ हो गए पर रौनक ने टीम के पुश को थोड़ा पुश करवाया पीछे की तरफ उनको फॉल बैक करने को
फोर्स किया DKG की टीम काफी अग्रेसिवली उनके तरफ क्लोजिंग कर रहे थे. नाउ इट्स अ 3v4v3 सिचुएशन. DKG और XUF के प्लेयर नॉक्ड है, XUF के दो प्लेयर नॉक्ड है. यहाँ पे स्वैनो वो XUF के ऑर्डर को भी नॉक ऑफ करते हुए जिस स्पॉट में है उन लोग डेफिनेटली फनेटिक के लिए दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं. वहाँ पे हसाकी स्पॉट हो गया एंड एक्चुअली 4AM पूरी की टीम डबल पे आ गई है. एंड यहाँ पे मैट जीजी ने एक स्प्रे से मिंगर मैंने देखा कि XUF की टीम भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्लेयर्स लूज आउट कर रहे हैं. DKG ने यहाँ पे 4AM को पूरा एलिमिनेट कर दिया फिफ्थ स्पॉट पे. एंड DKG यहाँ पे एक अलग ही गेम प्ले दिखाते हुए अपने एक कॉम्पिटिशन को आउट करते हुए मूव ऑन कर रहे हैं XUF की तरफ. आई डोंट नो इफ दिस इज अ रियली गुड आइडिया क्योंकि यहाँ पे वो खाली ओवेस ने वहाँ पे DKG के क्रेजी को नॉक किया. कूल भाई ने वहाँ पे ओल्ड भाई को नॉक किया. ओवेस ने वहाँ पे क्रेजी को कंफर्म किया. फनेटिक यहाँ पे एक चिकन डिनर के ऊपर बढ़िया 3v2v1 का सिचुएशन है. एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी है फनेटिक के पास. उनके पास एक माइनर एडवांटेज है, उनके सामने XUF और DKG है. एंड यहाँ पे अगर फनेटिक के चिकन डिनर ले लेते हैं उन लोग पॉइंट टेबल में एक बार में टॉप 5 स्पॉट की तरफ जाएंगे. एंड देख सकते हो कितने ज्यादा अच्छे स्प्रेड आउट है प्लेयर्स. इस बार थोड़ी सी संयम में लग रही है टीम फनेटिक. दे नो व्हाट दे आर डूइंग. एंड यहाँ पे कूल बॉय फाइट लेते हुए टीम DKG के प्लेयर्स के अगेंस्ट को कंप्लीटली नॉक करते हुए एंड वहां पे फिनिश ऑफ करते हुए पीछे से ओवेस आया. पर जिमी ने ओवेस को अगर नेट्स होते तो अभी तक ओवेस वहां पे कंफर्म हो चुका होता. बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल चांस है. बट स्काउट यहाँ पे प्ले जोन से नॉक होते हुए एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ टीम फनेटिक के खेमे में. बट इट्स नाउ ऑल ऑन टुवर्ड्स रोनक एंड ओवेस. बट जिमी ने यहाँ पे ओवेस को भी फिनिश ऑफ कर दिया. टीम एक्स आई थिंक टीम फनेटिक इज डाउन टू देयर लास्ट गाय. एंड देखते हैं यहाँ पे कूल बॉय फिनिश ऑफ करते हुए टीम DKG के स्वू को. एंड अभी इट्स 2v2 फाइट. बट अभी एक प्लेयर जो है उनके नॉक होके हैं एंड रौनक के ऊपर पूरा जो है जिम्मेदारी आ जाता है. तो इट्स अ 1v2 फाइट टीम फनेटिक वर्सेस टीम XUF. देखते हैं कौन जीतता है. बट इसी के साथ टीम XUF लेती हुई और एक चिकन डिनर. बट वी हैव टू गिव इट आउट फॉर आवर बॉय.